हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल शाही अंदाज में। फेस्टिवल का सीजन है, रंगों का त्योहार है, तो भाई मट्ठा तो बनता ही है। आज हम बनाएंगे आपके लिए पकोड़े वाली छाछ, उसको मट्ठा भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा पकोड़े वाला छाछ। चटपटा मसालेदार छाछ बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल छिलके वाली, बेसन। आइए मूंग दाल छिलके को पीस ली, मूंग की दाल ली है, आइए अब दाल को पीस लेंगे। हमारी दाल पीस चुकी है, आइए दाल निकाल लेते हैं। हमारी दाल पीसकर तैयार है, आइए पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा बेसन, इसमें ऐड करेंगे हींग और जाएगा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, टेस्ट के अनुसार नमक। आइए मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर बनकर तैयार है, आइए चटपटा मसालेदार छाछ बनाने के लिए पकौड़ियां तल लेते हैं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, हमने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, आप सरसों का भी यूज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पकौड़े बनाना, हमें छोटे साइज के ही बनाने हैं। आइए दूसरी साइड से पलट लेते हैं। चटपटा मसालेदार छाछ के लिए पकौड़ी फ्राई हो चुकी है, आइए निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली बनी है, आइए निकाल लेते हैं। हमने गरम गरम पकोड़े निकाले हैं, हमें अभी तुरंत इसको गरम पानी में डालना है सोक करने के लिए। हमने पानी को गरम कर लिया है, आइए इसमें पकोड़ियां डिप कर देते हैं। हमें इसको 20 से 25 मिनट के लिए डिप करना है, आइए इसको ढक देते हैं। हमने छाछ लिया है 1 लीटर, कई लोग इसको मट्ठे के नाम से भी जानते हैं। छाछ आप अपने अनुसार ले सकते हैं, फ्रेश लें या अमूल का लें। आइए छाछ को स्टेनर से स्टेन कर लेंगे एक बार। हमने छाछ को स्टेन कर लिया है, आइए चटपटा मसालेदार छाछ बनाने के लिए तड़का लगा लेंगे। हमने तेल लिया है थोड़ा, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा जीरा,
दो से तीन साबुत लाल मिर्च, थोड़ा जाएगा हींग, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसको हिला लेंगे। हमारा जीरा और लाल मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब गैस ऑफ कर देंगे हम और अब ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और अब भाई लगाएंगे हम तड़का। थोड़ा जाएगा नमक स्वाद के अनुसार। हमने गर्म पानी में पकौड़ों को डिप करके रखा हुआ था, आइए अब इनको छाछ में मिला लेते हैं। आइए भाई मूंग दाल पकौड़ों को पहले स्ट्रेन कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप चटपटा मसालेदार छाछ बनाएं तो पकोड़ों को गर्म पानी में डिप जरूर कीजिएगा, इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा और ये बहुत ही पानी में डिप करने से फूले फूले हो जाते हैं और स्पंजी हो जाते हैं जूसी। तो आइए ऐड कर लेते हैं। आइए एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी बना है हमारा चटपटा स्पाइसी छाछ, मसालेदार छाछ। आइए इसको सर्व कर लेंगे। चटपटा मसालेदार छाछ बनकर बिल्कुल तैयार है मूंग दाल के पकौड़ों के साथ। आइए इसको सर्व कर लेते हैं। चटपटा स्पाइसी मसालेदार छाछ बनकर बिल्कुल तैयार है, हमने सर्व कर लिया है। ये देखिए कितना टेस्टी बना है। अगर पकौड़े वाला छाछ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं शाही अंदाज में। बाय फ्रेंड्स।